हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लीगल हिस्ट्री का। और आप यदि UPSC एस्पिरेंट हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यदि लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। और देखो, ये जो जुडिशियल प्लान था 1772 का, आज आप जो भी अदालत सिस्टम देख रहे हो, जो भी आज अपने यहाँ कोर्ट सिस्टम देख रहे हो ना, इसका फाउंडेशन यही है। और आज जितना भी आप अदालत में चेंजिंग देख रहे हो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली जुडिशियल प्लान जो है 1772 का, इसको बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ अदालत सिस्टम। तो बेसिकली यहीं से अदालत सिस्टम का फाउंडेशन हुआ था। तो देखो, 1772 से पहले जो भी जुडिशियल सिस्टम था उसमें रिफॉर्म लाने के लिए ये जुडिशियल प्लान को लाया गया था। अब आप बगल में यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होगे, आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, ये एक्चुअली चैटर है। बट मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जुडिशियल प्लान दिखता कैसा था, इसलिए मैंने पिक्चर्स लगाया। देखो, जुडिशियल प्लान जो उस टाइम पे आता था या फिर जो भी चैटर आता था तो कुछ ऐसा दिखता था। पिक्चर से मुझे कुछ ज़्यादा लगाव है इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पिक्चर का, बट हाँ देखो, बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट नाम देखोगे ये जुडिशियल प्लान का। बहुत जगह आपको मिलेगा जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा वैरन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। वैरन हेस्टिंग ही ये जुडिशियल प्लान लाया था इसलिए इसका नाम लगा हुआ है। और बहुत बुक में आप देखोगे हेस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1772। सबका मीनिंग एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको ध्यान रखना। देखो, यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होगा। और देखो, मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, बट आप यदि देख लीजिए लास्ट तक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना भी मिनट का हो भी तो मुझे नहीं पता है, बट थोड़ा लंबा होगा। मुझे खुद पे बिलीव है कि थोड़ा लंबा होगा, बट हाँ आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो, 1772 में जुडिशियल प्लान आता है और इसके बाद भी एक जुडिशियल प्लान आता है जस्ट दो साल बाद एक और जुडिशियल प्लान आता है 74 में। और 72 के बाद जस्ट 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है एंड 74 में भी जुडिशियल प्लान आता है। आप इसको ध्यान में रखना। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 72 को मैं अभी कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको मैं कवर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 74 का जुडिशियल प्लान को मैं कवर करूंगा। देखो, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। एक ही वीडियो में सारा मैं डाल के हौच पौच नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं डिफरेंट अलग वीडियोस ला रहा हूं जिसमें आपको समझ में अच्छे से आए। ये पिक्चर्स देख रहे हो, मुझे पिक्चर्स लगाना अच्छा लगता है, मैंने भी आपको बताया था। अभी जस्ट मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अदालत सिस्टम, ये जो आप देख रहे हो अदालत सिस्टम, ये अदालत सिस्टम का जो फाउंडेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नींव, यहीं पर रखा गया है। ये 1772 का जो चार्टर है, यहीं से मेन चेंजेस जो अदालत सिस्टम में आप आज के टाइम में जो भी देख रहे हो या फिर इससे पहले जो भी अदालत सिस्टम था उसमें जो चेंजेस है, इसी प्लान के आने के बाद हुआ। तो चलो ठीक है, 1772 में हम लोग इंडिया को देखते हैं, पहले इंडिया उस टाइम पर था कैसा। ठीक है, तो इंडिया जो उस टाइम पर देखोगे ये 65 का, बट हाँ सिमिलर ही था, 5-6 साल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ था। तो देखो, पहले हम लोग देख लेते ब्रिटिश का कहाँ कहाँ पे रूल था। आप ये देख लो, ये रीजन में ब्रिटिश का रूल था, यहाँ पे मद्रास में रूल था और इधर बॉम्बे में रूल था, और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, इधर पूरा में ब्रिटिश का रूल था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। और आप देख सकते हो यहाँ पे निजाम का रूल था। मैं अभी बता रहा हूँ कि 1772 में इंडिया कैसा था, कहाँ पे किसका रूल था। और आपको पता है इधर मराठा का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो राजपूत का था, तो ये सब आपको पता है। और इस रीजन में मुगल का था, तो अब वो बेसिकली किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। देखो, 1772 में बंगाल कैसा था, थोड़ा मैं आपको सिचुएशन बता दूँ इस टाइम पे क्या कैसे था, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलोगे यार डायरेक्ट जुडिशियल प्लान स्टार्ट करो ना, बट ऐसा नहीं है। यदि आपको जुडिशियल प्लान समझना है तो उस टाइम का इंडिया को समझो। यदि उस टाइम का इंडिया आप समझ गए तो क्या सिचुएशन था, कहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, ये सब बातें यदि आपके दिमाग में रहेगी तो आपको पढ़ने में और आसानी होगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं ये सब बताता हूँ थोड़ा सा बैक जा करके, जो भी बातें हैं जो आपको हेल्प करेगी इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो, उस टाइम पे 1772 में क्या सीन था वो भी देख लो आप। ये जो रीजन पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा
बिहार, उड़ीसा, बंगाल और इधर पूरा त्रिपुरा तक, ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर का पूरा एरिया ये पूरा ऑलमोस्ट ब्रिटिश के अंडर था। मैं 72 की बात कर रहा हूँ। और यदि आपको इसको और भी अच्छे से समझना है तो आप इन सब पे, ये जितने सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सब को मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट्स जो मिला था, ग्रांट ऑफ दीवानी पढ़ लेना, फिर उसका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड ड्यूअल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से ही बंगाल का क्या स्थिति होता आपको समझ में आएगा। तो देखो ये चार पांच टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपको ये एक्चुअली पता होना चाहिए। यदि आप इंडिया में हो तो मेरे हिसाब से और 10th तक में भी पढ़ाया जाता है ये बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश का रूल स्टार्ट होता है। तो आई एम श्योर आपको पता होगा और आप पढ़े भी होंगे। तो इन सभी टॉपिक पे मेरा एक पर्टिकुलर लेक्चर है, आप चैनल पे जाओ और उसको देखो, बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा में ये लेक्चर लिया है, और ये चारों टॉपिक को मैंने उसमें बहुत अच्छे से कवर किया, पूरा डिटेल स्टोरी, और आई थिंक बहुत सारा बातें मैंने उसमें बताया है। और जहाँ जितना बातें मैं यहाँ आपको बताता हूँ ना, आई थिंक आपको यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, लीगल हिस्ट्री में एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। आप देखना कि मेरे चैनल पे बहुत कम वीडियोस आते हैं, ज़्यादा वीडियोस आते भी नहीं है। मैं एक सप्ताह में एक या दो वीडियोस बनाता हूँ। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, बस मेरा यही रूल है। मैं टाइम लेता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा पढ़ना भी होता है, खुद का इधर उधर रहता है। खैर तो आप प्लीज़ ये वीडियो जाके देखो, यूट्यूब चैनल पे ये एग्जैक्ट थंबनेल आपको मिलेगा, जाके पढ़ो, ड्यूअल सिस्टम पढ़ लो, इसमें बहुत अच्छा वीडियो है ये। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, जुडिशियल प्लान आखिर लाया क्यों गया, व्हाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप हमेशा ये क्वेश्चन ऑलवेज अपने मन में उठाओ, आखिर क्यों, व्हाई, है ना, क्यों लाया गया जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1772 में जो बंगाल का सिचुएशन था ना, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट था। यहाँ कौन सा गवर्नमेंट था, यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता था। ये तो इसके बारे में और डिटेल में मैं भी नहीं बुझाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। तो ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था ना, इससे बंगाल पूरा समझो कि डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था बंगाल में। और यहाँ पे जो रिवेन्यू है, मान लो गवर्नमेंट अच्छा से नहीं चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है रिवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम होगा, रिवेन्यू आएगा नहीं। तो रिवेन्यू बहुत कम आ रहा था, एक रीजन ये था रिवेन्यू बहुत कम आया था, और उस टाइम फेमाइन आ गया था, 1/3 पॉपुलेशन बंगाल का खत्म हो गया था। और वो क्यों आया था, क्योंकि जो किसान से बेसिकली बहुत कम, किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे ब्रिटिश, और उनको प्रॉफिट बहुत कम देते थे, बहुत सारा रीज़न था फेमाइन आने का। और बोला जाता है उस टाइम पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुआ था, वो भी एक रीज़न था, बट ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था फेमाइन के चक्कर फेमाइन लाने में। और इसके बाद देखो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोर्ट में करप्शन था, उस टाइम जो कोर्ट था, सिस्टम जो भी था वहाँ पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा था। बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बंगाल 1772 के प्लान आने से पहले वहाँ जो भी कोर्ट्स थे, उस कोर्ट में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वहाँ पे क्या होता था, यदि आपको देखो यहाँ पे, यदि मान लो आपका सपोज कर लो कि आपको 1000 रुपीज़, मान लो आपको 1000 रुपीज़ रिकवर कराना है, क्या कराना है भाई, रिकवर कराना है, और आप चाहते हो कि मैं कोर्ट के हेल्प से ये 1000 रुपीज़ खुद का रिकवर करवा लूं, है ना, आप ये चाह रहे हो। तो अब आप रिकवर कराओगे, देखो कोर्ट का जनरली क्या होता है, कुछ फीस होता है, मान लो 1%, 2%, 3%, 5%, मान लो कोर्ट बोल रहा है कि चलो ठीक है तुम मुझे 5% कोर्ट फी दो, कोर्ट का फी होता है 5%, आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा यदि आप कोर्ट जाओगे तो, चलो ठीक है कोर्ट फी ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता था, कोर्ट फी यहाँ नहीं लगता था, मान लो 1000 का कोर्ट फी, 5% कितना हुआ, मान लो 5 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा 1000 का रिकवर करवाना है तो कोर्ट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या सीन था, देखो यदि आपको जितना भी रुपया रिकवर करवाना है कोर्ट के थ्रू, आपको उस पैसे पे, मान लो 1000 पे आपको कमीशन देना पड़ेगा, 1000 पे आपको कमीशन देना पड़ेगा, किसको, ब्रिटिश को। ये थोड़ा आप यहां से ध्यान रखना कि 1000 पे आपको ब्रिटिश को कमीशन देना पड़ेगा।
तो ये सीन था। इसके अलावा जो यहाँ पे सीन क्या चल रहा था, जो जजेस होते थे उनको देखो रेगुलर सैलरी नहीं मिलता था जजेस को, जिसके वजह से ये जो जजेस होते थे ये क्या करने लगते थे भाई, ये लोग करप्शन करते थे, ऑब्वियसली बात है सैलरी नहीं मिलता था तो ये लोग घूस लेने लगते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ के जुडिशियल सिस्टम में। देखो बहुत सारा ऐसे प्लान, बहुत सारा प्रॉब्लम था, बट मैं यहाँ पे जुडिशियल प्लान की बात कर रहा हूँ। तो जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में जो प्रॉब्लम था मैं उसका बात कर रहा हूँ। कमीशन लेते थे ये लोगों, रेगुलर सैलरी नहीं मिलता था जिसके वजह से ये लोग घूस लेते थे। उसके बाद जो इंग्लिश मैन होते थे ना, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, किस पे, इंडियंस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो इसको देखते हुए एक थे आर्थर किथ, इनका क्या बोलना था, बहुत अच्छा ये लाइन बोले थे कि कोर्ट सिर्फ एक पावर कंस्ट्रूमेंट हो गया है रादर देन जस्टिस। देखो कोर्ट से क्या मिलता है जी, जस्टिस मिलता है ना, लेकिन यहां पे क्या था, कोर्ट को ये लोग बेसिकली एक पावर का घर बना लिए थे, पावर इंस्ट्रूमेंट बना लिए थे, और यहां से अपना ये लोग रूल करते थे। कोर्ट का काम होता जस्टिस देना, ना कि पावर रखना। खैर अब यहाँ से कहानी में एंट्री होगा वैरन हेस्टिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो जुडिशियल प्लान इन्हीं के द्वारा लाया गया था, तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैरन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस कहानी को समझने के लिए, तो ध्यान रखना। देखो वैरन हेस्टिंग, एक बात इनके बारे में ध्यान में रख लो, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये ध्यान रखना। फर्स्ट गवर्नर, आपको पता है क्लाइव के बारे में आपने पढ़ा है। खैर तो वैरन हेस्टिंग के द्वारा देखो इनका जो टेन्यूअर था उस टाइम तक इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया, वैरन हेस्टिंग के द्वारा बहुत सारा रिफॉर्म किया गया था। जैसे कि देख लो रिवेन्यू में रिफॉर्म किया गया, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको रिवेन्यू रिफॉर्म क्या किए, जुडिशियल रिफॉर्म क्या किए, और ट्रेड रेगुलेशन भी किए। देखो यहाँ पे मैं ट्रेड रेगुलेशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो पहले आपको पता होगा कि दस्तक चलता था, दस्तक पास बेसिकली फ्री पास होता था, ब्रिटिश को मिलता था, ट्रेड करते थे, उस पर कस्टम ड्यूटीज ब्रिटिश को नहीं लगता था, बट ये उनको रिमूव कर दिए, बेसिकली एबॉलिश कर दिए, खत्म कर दिए, दस्तक पास सिस्टम खत्म, और कंपनी के जो इंप्लॉय थे बहुत सारा प्राइवेट ट्रेड करते थे उसको भी ये खत्म कर दिए। उसके बाद हाँ, ब्रिटिश और इंडियंस सबके लिए बेसिकली जो ट्रेड करेगा अब 2.5% उनको टैक्स देना पड़ेगा। पहले टैक्स नहीं लगता था इंग्लिशमैन को, लेकिन बट आपसे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये ट्रेड रिफॉर्म, ट्रेड रेगुलेशन लाए थे एक्चुअली वैरन हेस्टिंग, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो आप, यदि किसी कॉम्पिटिशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। और इनके द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया था, एबोलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम। अच्छा आपको याद होगा ड्यूअल सिस्टम कौन लाया था, रॉबर्ट क्लाइव लाया था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक इंसान था और उसी का एक चेला था, इसको देखा था रॉबर्ट क्लाइव बहुत, ये मतलब ये देखो कंपनी में जो ये जब ज्वाइन किया था ना एज ए क्लर्क, हमारे देश जैसा नहीं है, क्लर्क भी यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन सकता है। हमारे देश में आप क्लर्क हो, छोटे पोस्ट पे हो, तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, बट ब्रिटिश एक्चुअल स्किल का वैल्यू करते हैं, यही हमसे और उनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट पैदा करता है। खैर इस पे मैं बात नहीं करूँगा, बट हाँ ब्रिटिश स्किल का, टैलेंट का कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, हमारे देश में नहीं है। खैर देखो वैरन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ बता देता हूँ वैरन हेस्टिंग बारे में। ये सबसे पहले गवर्नर बने थे, आपको पता है प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम का 1772 में, ये सब पता है आपको। और गवर्नर जनरल कब बने थे, 1774 में, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये कब तक रहे थे, जब तक ये रिज़ाइन नहीं किए थे, 85 में ये रिज़ाइन कर दिए थे, 1785 में, तो उसके बाद दूसरा आया था, बट 1785 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बहुत टाइम तक रहे थे और बहुत कुछ किए थे। इनके टाइम में और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में और विलियम बेंटिक के बारे में आप पढ़ोगे और कॉर्नवेलिस के टाइम में, इनके टाइम पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। खैर तो मैंने आपको ये बताया था कि 1750 में ये एज ए क्लर्क ज्वाइन किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और बेसिकली क्लर्क थे, छोटे पोस्ट पे थे। और 1758 में, प्रीवियस वीडियो यदि देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान रखना उस टाइम का जो बंगाल था उसका कैपिटल मुर्शिदाबाद था, ठीक है, और मुर्शिदाबाद में भी ब्रिटिश रहते थे, तो ये बेसिकली ब्रिटिश वहाँ पे, जहाँ पे ब्रिटिश रहते थे मुर्शिदाबाद में, वहीं के रेसिडेंस ये बने। और उस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसको बनाया गया था नवाब, याद करो, याद करो मीर जाफर को, ठीक है, और मीर जाफर को क्या बनाया गया था,
मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, और रेगुलेटिंग एक्ट पास करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इन्हीं के टर्म में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है 73 में हुआ, तो इन्हीं का टाइम था। तो और देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये सर विलियम जोन्स को भी सपोर्ट किए थे एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं बंगाल में, ठीक है, ध्यान में रखना बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होने जा रहा है। अप्रैल 13, 1772, ठीक है, 1772, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखो इसके बाद जब गवर्नर बने कहाँ का, फोर्ट विलियम का, वैरन हेस्टिंग क्या किए, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैरन हेस्टिंग जब गवर्नर बना उसके बाद क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसके गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले ये कमिटी, ये कमिटी है, ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हो ना कमिटी, तो ये सबसे पहले एक कमिटी फॉर्म किया, कमिटी को अपॉइंट किया, और उस कमिटी में टोटल उस कमिटी में 5 लोग थे, 4, देखो आपको पता है ना गवर्नर का एक काउंसिल होता था जिसके हेल्प से गवर्नर रूल करता था एक्चुअली, जिसके हेल्प से पूरा वो चलाता था, तो काउंसिल से 4 मेंबर और गवर्नर खुद, बेसिकली 5 मेंबर से मिला करके एक कमिटी बना था, और इस कमिटी का चेयरमैन भी कौन था, ये वैरन हेस्टिंग, ठीक है, जो गवर्नर था वही चेयरमैन था आप बोल सकते हो, और रिसाइडेड वही, चलो ठीक है, गवर्नर ही चेयरमैन था, प्रेसिडेंट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए बट 5 लोग का था। और ये जो कमिटी बनाए थे उस कमिटी का नाम रखा गया था कमिटी ऑफ सर्किट, ठीक है, कमिटी ऑफ सर्किट नाम रखा गया था। और ये जो कमिटी है, जैसा कि आपको पता है ना लॉ बनाने से पहले कमिटी का फॉर्मेशन होता है और कमिटी रिसर्च करता है, लॉज के भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग नहीं देखते हो आप लोग जाके देखो, लॉज का भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी है। तो देखो लॉज बनाने के लिए कमिटी चाहिए, तो सेम इसी तरह से ये जो कमिटी बनाए थे कमिटी ऑफ सर्किट, ठीक है, ये कमिटी ऑफ सर्किट जो था ये क्या करता है, ये जुडिशियल प्लान को प्रिपेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जुडिशियल प्लान अब यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, तो ये डेट ध्यान मत रखो बस समझ लो, 15 अगस्त 1772 को ये जो कमिटी ऑफ सर्किट था ये जुडिशियल प्लान को प्रिपेयर करता है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड रेवेन्यू कलेक्शन, बेसिकली जस्टिस सिस्टम अच्छा हो और रेवेन्यू कंपनी को आने लगे, इसके लिए एक जुडिशियल प्लान तैयार करता है कौन, कमिटी ऑफ सर्किट, ध्यान रखना। और इसी प्लान को क्या बोला जाता है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, या फिर आप इसी को बोल सकते हो वैरन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान, या फिर हेस्टिंग प्लान ऑफ 1772, जो आपको इच्छा बोलो। तो आपको समझ में आया ये जो जुडिशियल प्लान है ये कैसे बना, हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर बनने के बाद एक कमिटी। देखो बेसिकली इस टाइम पे बंगाल का बहुत बुरा स्थिति था, फेमाइन बर्बाद कर चुका था, ये ड्यूअल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तहस नहस कर दिया था बंगाल का, तो बहुत बुरा स्थिति था। उसके बाद हेस्टिंग को यहाँ पे लाया गया एज ए गवर्नर, और इनको ये सिचुएशन को सुधारने का बेसिकली बोल सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ना, दिख भी रहा है आपको क्या हुआ। अब देखो फिर ये जो जुडिशियल प्लान है 1772 का, अब इसमें क्या था, तो ये जो जुडिशियल प्लान है 1772 का, इसमें 37 रेगुलेशन था, जैसे कि अभी सेक्शन बोलते हो ना आप, उसी तरह से सेक्शन में बटा हुआ था 37 रेगुलेशन था, जिससे ये लोग रेगुलेट करते थे किसको, क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस एंड रिवेन्यू को, ठीक है। और ये 37 जो रेगुलेशन था ये क्या डील करता था, अभी जैसे मैंने बताया आपको सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू, ठीक है, और ट्रेड को भी कंट्रोल करने के लिए इस प्लान में बहुत कुछ था। और अभी के टाइम पे देखो टेरिटोरियल डिवीज़न भी हुआ था इसका, तो टेरिटोरियल डिवीज़न का क्या सीन है, पूरा जो कोलकाता है, सॉरी कोलकाता नहीं बंगाल, चलो ठीक है, ये देखो टेरिटोरियल डिवीज़न कैसा था, बेसिकली तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एरिया बांटना पड़ेगा है ना, तो इन लोग क्या किए, दीवानी एरिया जो था, दीवानी एरिया मतलब रिवेन्यू वाला एरिया, तो रिवेन्यू वाला एरिया बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा बंगाल ही का ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा बंगाल में उस टाइम पे ये देखो ये एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना
ये पूरा एरिया को ये लोग सेवरल डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देखो ऐसे करके ये लोग डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये बड़ा सा प्रोविंस था ना, ये बड़ा सा प्रोविंस था, और इसको ये लोग कैच में डिवाइड कर देते हैं, ये लोग इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल ध्यान रखना, दीवानी एरिया जो था बंगाल का, बंगाल मतलब बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों का जो एरिया था इसको ये लोग बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहीं से टेरिटोरियल डिवीजन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कैचमेंट डिवीजन होता है, ये ध्यान रखना। आज जो आप देख रहे हो ना, हमारा कंट्री है बहुत सारा स्टेट में डिवाइड है, बहुत सारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारा ब्लॉक, ब्लॉक बहुत सारा विलेज में, सेम इसी तरह से यहाँ भी सीन था। ये पूरा प्रोविंस है, ये पूरा प्रोविंस किस में डिवाइड है भाई, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट आगे चल के देखना परगना, बेसिकली विलेज में डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे तीन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बन रहा है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड परगना विलेज। चलो देखो, अभी मैंने बताया ना आपको यहाँ पे बहुत सारा विलेज हो गया, सॉरी विलेज नहीं, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया बंगाल को। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट बना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, और उसको हम लोग बोलते थे कलेक्टर। इसके पास बहुत पावर होता था, मैं आगे बताऊंगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंग्लिश ऑफिसर का। और इसका जो प्राइमरी काम है, प्राइमरी काम क्या था, कलेक्टर, नाम से ही क्लियर है। टैक्स कलेक्टर क्या करेगा भाई, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, नाम से ही क्लियर है, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करेगा पैसा। तो इसका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन रेवेन्यू के अलावा भी इसके पास पावर था, जैसे कि आगे आप पढ़ोगे मुसफ्फिल, इसके पास जुडिशियल पावर भी था। जुडिशियल पावर में आप देखोगे मुफस्सिल अदालत जो होता था, मुफस्सिल, मुसफ्फिल क्या मैंने बोल दिया अभी, मुफस्सिल अदालत जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो अभी कोर्ट देख रहे हो ना आप, उसी कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इनके पास एक रेवेन्यू कलेक्शन का पावर तो था ही था, उसके साथ साथ इसके पास जुडिशियल पावर भी था। किसके पास, ये जो इंग्लिश मैन होते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो ऑफिसर होते थे उसको हम लोग कलेक्टर बोलते थे, उनके पास। ये देखो ये कलेक्टर भाई साहब है, देख रहे हो ये कलेक्टर, ये जो आप एरिया देख रहे हो इसको हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए थे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था। अब हम लोग देखते हैं ये जो जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 है, इसका मेन फीचर क्या है, और इसमें आपको ये जो प्लान है इसको बेसिकली, इसमें चार चीज़ें आपको मिलेगी जो सबसे ज़्यादा हुआ। एक, रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हुआ, रिवेन्यू में, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद जो यहाँ पर जो सिविल जस्टिस सिस्टम था, सिविल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सिविल जस्टिस सिस्टम जो बेसिकली कोर्ट का सिस्टम है, सिविल कोर्ट अभी जो आप देख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफॉर्म हुआ। उसके बाद जो प्रोसीजर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी प्रोसीजर होता है ना वहाँ पे मैं बात करता हूँ। उसके बाद देखो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था ना, जो क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आर्बिट्री बाय कंसेंट। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कोर्ट के बाहर जो हम लोग सुलह करते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जुडिशियल प्लान जो था, वारेन हेस्टिंग्स का जो जुडिशियल प्लान था ना, ये जुडिशियल प्लान रिवेन्यू सिस्टम जो यहाँ का था उसको पूरा रिऑर्गेनाइज कर दिया। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था रिवेन्यू का, उसमें कम्प्लीटली चेंज आ गया, उसको समझो पूरा रिऑर्गेनाइज करा गया। किसके द्वारा, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 का। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं दिखा देता हूँ, बोर्ड, रिवेन्यू बोर्ड हुआ करता था, कहाँ कहाँ पे, मुर्शिदाबाद और पटना में। अच्छा मुर्शिदाबाद आपको पता है ना कहाँ पे है, बंगाल का पहले कैपिटल हुआ करता था आपको, चलो मैं दिखाता हूँ, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा मुर्शिदाबाद और यहाँ रहा आपका कलकत्ता। तो पहले आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे था, तो उसको ट्रांसफर करके कलकत्ता कर दिया गया, ठीक है। जो बोर्ड था रेवेन्यू बोर्ड जो मुर्शिदाबाद में था, अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ, अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता, इसको ध्यान रखना। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा चेंजेस किया, एक तो पहले सबसे पहले समझ लो पूरा रिओर्गनाइज करा गया। उसके बाद क्या होता है, जो रेवेन्यू बोर्ड मुर्शिदाबाद में था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसके पास,
किसके पास नहीं, कलकत्ता में ट्रांसफ़र क्या करा गया। बेसिकली पहले जो रिवेन्यू बोर्ड था मुर्शिदाबाद और पटना में, पहले तो आप उसको समझो उसको ख़त्म ही कर दिया, पहले एबॉलिश कर दिया, कहने के लिए ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, लेकिन उसी को समझो ट्रांसफ़र कर दिया गया था कलकत्ता में। अब इसमें कौन होंगे, रिवेन्यू बोर्ड में अब कौन होंगे, उसका नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, पहले रेवेन्यू बोर्ड कहलाता था, अब कहलाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसमें मेंबर कौन कौन होते थे, गवर्नर, और गवर्नर के काउंसिल के जितने मेंबर होते थे वही होते थे इसके मेंबर। और देखो पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर होता था, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर का बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर का काम होता था एरिया को सुपरवाइज करना। अब उसको बना दिया गया क्या, अब उसको बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बेसिकली अब वो कलेक्टर हो गया हर एक एरिया को, हर एक रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर हो गया, मतलब जो पहले सुपरवाइज करता था अब उसको कलेक्टर बना दिया गया। और वो इंग्लिश मैन ही होते थे। अब इनका काम क्या होगा, अब ये काम क्या करेगा, ये रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, और क्या करेगा कलेक्टर का काम ही है। और देखो ये जो कलेक्टर होते थे इनको असिस्ट करने के लिए, अब इनको हेल्प करने के लिए नेटिव लोग चाहिए। देखो इनको तो आता नहीं है सारा कुछ, नहीं ढंग से हिंदी बोल पाते थे या फिर उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता था इंडियन कल्चर के बारे में, तो इनको हेल्प करने के लिए एक नेटिव ऑफिसर होता था, इंडियंस ऑफिसर होते थे जिसको लोग नैब दीवान बोलते थे। ठीक है, और ये जो दीवान होते थे इसको बेसिकली तुम बोल सकते हो नेटिव रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेटिव रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव, दैट्स ऑल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देखो, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अभी मैंने बताया कौन कौन होंगे, गवर्नर और उनके मेंबर, ये लोग देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, समझ लो ये लोग का मीटिंग है, किनका, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मीटिंग है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन होंगे, गवर्नर एंड काउंसिलर, और उनके काउंसिल के मेंबर को काउंसिलर भी बोलते थे हम लोग। तो इन लोग क्या करते थे, वीक में दो बार बैठते थे, ठीक है, वीक में दो बार बैठे, जो भी ऑर्डर हो, जो भी इंस्ट्रक्शन हो, कलेक्टर को जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता था, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देना हो, दो बार बैठते थे ये लोग, इंस्पेक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, जो भी रेवेन्यू अकाउंट्स पास करना होता था उनसे रिलेटेड सारा कुछ ये लोग दो बार सप्ताह में बैठ के इशू कर दिया करते थे। कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर कौन कौन होता था, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस आया जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 के आने से। बेसिकली जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में क्या सब था सिविल के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो सिविल में जो पहले अदालत सिस्टम था उसको पूरा चेंज करा गया। देखो कैसे, जैसे अभी का क्या सीन है हमारे देश में, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आपको पता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, ये आपको पता है। तो सेम इसी तरह से तीन लेवल पे, जैसे आप देखते हो ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी तरह से तीन लेवल पे यहां भी कोर्ट बनाया गया। कहां पे, बंगाल में। कब, 1772 में। तो देखो एक तो सबसे पहला कोर्ट जिसको बनाया गया स्मॉल कॉज कोर्ट, या फिर अब बोलो स्मॉल कॉज अदालत, दूसरा मुफस्सिल दीवानी अदालत, और तीसरा सदर दीवानी अदालत। अब हम लोग वन बाय वन करके हर एक कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अदालत सिस्टम में जो इतना बड़ा आप चेंजेस देखते हो, आज जो आप अदालत सिस्टम देख रहे हो ना, इसका नींव यहीं पर रखा गया है, और इसी से इंस्पायर होके आज का जो इतना सारा आप देख रहे हो यहीं से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। चलो आपको मैं थोड़ा सा और भी कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यदि सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस आप नहीं जानते हो तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। आप नहीं जानते हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बात किया है सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होता है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे पहचान सकते हो। पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा आखिर जो मैंने काम किया वो गलत है, रॉन्ग है या नहीं। तो कैसे पहचानोगे, फिर कौन सा रॉन्ग, मैंने मान लो आपके साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ जो मैंने रॉन्ग किया, मैंने जो गलत काम किया किसके साथ किया, एक इंडिविजुअल के साथ किया, आपके साथ किया। तो ऐसा यदि कभी रॉन्ग करते हो आप, किसी इंडिविजुअल के साथ यदि कोई रॉन्ग होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिविल। और जब आप कोई रॉन्ग सोसाइटी के अगेंस्ट करते हो, जब
इंडिविजुअल के अगेंस्ट करोगे तो हो जाएगा सिविल, जब आप पूरा होल सोसाइटी के अगेंस्ट कोई रॉन्ग करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिमिनल। यहाँ मैंने थोड़ा सा बताया आपको, और एक वीडियो अवेलेबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो सिविल केसेस क्या क्या होता है। तो जैसे कि प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, कास्ट, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, डेट, पार्टनरशिप, ये सब जो आप देख रहे हो ना मैटर, ये सब किसका मैटर है? सिविल केसेस का। ठीक है, अब ये सब मैटर कहाँ पे सुना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये सब मैटर सिविल कोर्ट में सुना जाएगा, है ना। देखो कोर्ट ऐसा नहीं होता था एक्चुअल में, बट समझने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो ये जो स्मॉल कॉज अदालत होता था, ये विलेज लेवल पे होता था, परगना लेवल पे होता था। परगना में, विलेज में एक जो कोर्ट होता था उसको हम लोग बोलते थे स्मॉल कॉजेस कोर्ट। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा एक चीज देखो, उस टाइम का क्या सीन था। जैसे आज आपको देख रहे हो ना, हमारा देश जो है प्रोविंस में बटा हुआ है, प्रोविंस में बटा हुआ है ना, बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है। तो सेम उस टाइम जो स्टेट में प्रोविंस के लिए जो जो कोर्ट होता था उसको हम लोग बोलते थे सदर दीवानी अदालत। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कोर्ट होता था, मैं 1772 की बात कर रहा हूं, मुफस्सिल दीवानी अदालत। सिविल केसेस की बात कर रहा हूं मैं, सिविल कोर्ट जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुफस्सिल दीवानी अदालत बोलेंगे। उसके बाद जो विलेज लेवल पे परगना में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल कॉज अदालत। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। तीन लेवल पे कोर्ट हुआ करता था, तीन लेवल पे अदालत हुआ करता था, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड परगना। प्रोविंस लेवल पे सदर दीवानी अदालत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुफस्सिल दीवानी अदालत, और विलेज लेवल पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट। अब देखो ये जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट था, इसको हेड कौन करते थे, इस कोर्ट के हेड कौन होते थे? तो इस कोर्ट के हेड होते थे जो गांव का जो हेड मैन होता था, या फिर आप बोल सकते हो जो हेड फार्मर होता था वो इस कोर्ट का हेड होता। जैसे कि मान लो ये सपोज कर लो ना, चलो ब्लैक पेन लेता हूं मैं, हाँ ये जो भाई साहब है, मान लो आप इसको, ये हेड ऑफ द फार्मर है, ये हो गया जज, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के ये हो गए जज। अब सवाल है कि ये स्मॉल केसेस किस तरह का मामला देखता था? ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये सिविल केसेस देखता था। किस तरह का केसेस देखता था? ये छोटा छोटा जो केस होता था ना सिविल मैटर में, उसको ये कोर्ट देखता था। उसके अलावा बेसिकली आप वैल्यू में जब बात करोगे, कितने वैल्यूज तक का भाई, कितने वैल्यूज तक का केस को हम लोग छोटा छोटा केस समझेंगे? तो यदि आपका केस का वैल्यू 10 रुपीज तक का है तो ये कोर्ट आपका केस डिसाइड कर सकती है। बेसिकली यदि आपका केस का वैल्यू 10 रुपीज तक का है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इसके बाद देखो, मैंने आपको विलेज लेवल पे, परगना लेवल पे समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कोर्ट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मुफस्सिल दीवानी अदालत। अब देखते हैं हम लोग मुफस्सिल दीवानी अदालत का क्या सीन था। चलो मुफस्सिल दीवानी तो जानते हो ना, जानते होगे, बहुत दिन से बढ़ रहे हो मेरे से। ये कोर्ट जो आप देख रहे हो ना, ये कोर्ट मुफस्सिल दीवानी अदालत है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो। चलो ये तो आप जानते हो, ये कोर्ट किस लेवल पे था? ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। और ये कोर्ट के जो जज होते थे, यहाँ देखो, ये कोर्ट के जो जज होते थे इसको हम लोग बोलते थे कलेक्टर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते थे, प्रिसाइड कौन करता था? कलेक्टर। तो इसके जज कलेक्टर होंगे। और ये देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आप किस एडमिनिस्ट्रेशन, किस सिविल के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियस ही बात है मुफस्सिल दीवानी, दीवानी भी लगा हुआ है, तो कौन सा मैटर सुनेगा? सिविल और रेवेन्यू से रिलेटेड जो केसेस होगा उसको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुफस्सिल दीवानी अदालत सुनेगा। और ये कोर्ट सप्ताह में 2 बार बैठता था, 2 बार ये कोर्ट ओपन होता था। आज जैसे कि 6 दिन 7 दिन ओपन होता है ना, तो उस टाइम पे ये कोर्ट सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ओपन होता था। मान लो इस कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे अपील के लिए? तो मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या होता है, प्रोविंस। तो प्रोविंस लेवल पे कौन सा कोर्ट होता था? सदर दीवानी अदालत। तो आप यहां से अपील लेके सदर दीवानी अदालत जा सकते हो। चलो तो अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। उस टाइम जो नेटिव होते थे, उस टाइम जो हम लोग होते थे, इंडियंस जो होते थे, उस टाइम जो हम लोग इंडियंस होते थे ना, उनका कास्ट से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड और मैरिज, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो केसेस होता था इंडियंस का,
देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इंडियंस के जो कस्टम होते थे, जो हमारा प्रथा रूल्स रेगुलेशन होता है हिंदूज का, मुस्लिम्स का, जो उनका जो कस्टम होता था उसके बारे में ब्रिटिश को इतना आइडिया नहीं होता था, है ना। ऑब्वियस बात, उनको क्यों आइडिया होगा हम लोगों का कस्टम के बारे में, उनको कैसे पता होगा। तो वो लोग जो हिंदू का बेसिकली, वो लोग क्या करते थे, बोलते थे हिंदू का और मुस्लिम्स का, बेसिकली नेटिव का। और देखो मैं हिंदू मुस्लिम्स पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स होते थे, अदर कम्युनिटी भी होते थे, बट ब्रिटिश भी कभी अदर कम्युनिटी पे ध्यान नहीं दिए। खैर मैं आगे इसमें भी बात करूंगा। तो जो नेटिव का केस होता था तो उनको डिसाइड करते थे उनके लॉज के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स लॉ उन पर अप्लाई होता था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, उनको बोल दिए थे कि बेसिकली ये लोग डिसाइड करते थे जो इंडियंस हैं आप उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से रेगुलेट होने दो। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कलेक्टर को तो यहाँ का कुछ आइडिया होता नहीं था, आपको जहाँ तक पता ही है यहाँ के कलेक्टर को कोई इंडियंस कस्टम्स के बारे में आइडिया नहीं होता था। तो पर्सनल लॉ के बारे में ऑब्वियस बात है क्यों पता होगा कलेक्टर को, तो पर्सनल लॉ के बारे में बताने के लिए, पर्सनल लॉ एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो हिंदू का कोई केस आ गया तो हिंदू लॉ से वो गवर्न होगा, हिंदू लॉ उस पर लागू होगा। तो अब ये हिंदू लॉ बताएगा कौन कलेक्टर को, तो उसको बताने के लिए जो ऑफिसर्स होते थे, बेसिकली इंडियंस ऑफिसर होते थे, नेटिव लॉ ऑफिसर होता था, उसको हम लोग बोलते थे काजी एंड पंडित। जो काजी होते थे वो मुस्लिम्स लॉ बताते थे कलेक्टर को, और जो पंडित होते थे वो हिंदू लॉ एक्सप्लेन करते थे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कब स्टार्ट हुआ, जुडिशियल प्लान आने के बाद, 1772 के जुडिशियल प्लान में ये सारी बातें लिखी हुई थी। और जो मैटर जमींदारी से, तालुकदारी से, बेसिकली तालुकदारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट इस कोर्ट में केस नहीं आएगा। फिर से सुनो, जो मैटर सक्सेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है, सक्सेशन बेसिकली जमींदारी तालुकदारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो मैटर मुफस्सिल दीवानी अदालत नहीं सुनेगी, आप इसको ध्यान रखो। वो मैटर डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा। और आप यदि यहाँ के अपील से, बेसिकली यहाँ के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, मुफस्सिल दीवानी अदालत के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे, प्रोविंशियल लेवल का कोर्ट, प्रोविंशियल लेवल का अदालत, और उसका क्या नाम था, सदर दीवानी अदालत। चलो आप थोड़ा सदर दीवानी अदालत के बारे में जानते हैं। तो सदर दीवानी अदालत आप जहाँ से जानते हो कि प्रोविंशियल लेवल पे सबसे एपेक्स कोर्ट था, सबसे बड़ा कोर्ट था। और इसके मेंबर कौन होते थे और इसके जज कौन होते थे, इसके जज होते थे कलेक्टर नहीं गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होते थे जजेस, और उसके साथ साथ दो और काउंसिल के मेंबर होते थे। देखो ये मान लो, सपोज कर लो ये गवर्नर है, तो ये हो गए इसके जज, और ये उसके काउंसिल के मेंबर, तो ये उनके साथ असिस्ट करते थे इनको, बेसिकली काउंसिल मेंबर ही दो होते थे, उसको ध्यान रखना आप। और देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो सदर दीवानी अदालत है यहाँ पे अपील आता था कहाँ से, मुफस्सिल दीवानी अदालत से। तो ऑब्वियस ही बात है ये कैसा कोर्ट हो गया, इसका जुरिडिक्शन कैसा हो गया, अपीलेट हो गया। तो ये अपीलेट तो था ही था, उसके साथ साथ यदि केस, सिविल मैटर का केस 500 रुपीज से अधिक का, 500 से अबव का कोई केस है, कोई केस का वैल्यू 500 से अबव का है, तो वो डायरेक्ट केस कहाँ पे आएगा, सदर दीवानी अदालत में, सदर दीवानी अदालत में डायरेक्ट आएगा। तो इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी था, ठीक है, एपिलेट एज वेल एज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी था इसका, ध्यान रखना आप इसको। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसमें था, यदि कोई सिविल डिस्प्यूट का, ठीक है, यदि कोई सिविल डिस्प्यूट का केस 500 रुपीज, 500 से ज्यादा है तो वो डायरेक्ट ये कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मान लो यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि दो और ऑफिसर होते थे, मान लो आज गवर्नर अब्सेंट है तो क्या होगा भाई, तो उस केस में जो ये दोनों में से एल्डर होगा, जो इन दोनों में से सबसे ज्यादा एज का होगा, जो एल्डर मेन होते थे वो एक्ट करते थे एज ए जज, ठीक है, इसको ध्यान रखना गवर्नर का अब्सेंट में। और देखो इंडियंस यहां पे बेसिकली गवर्नर को हेल्प करने के दो ऑफिसर्स होते थे, दीवान और कानूनगो, ठीक है, ये दो ऑफिसर होते थे जो कि गवर्नर को हेल्प करता था।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और समझो, देखो यदि आप कोर्ट में अपील करोगे या फिर पिटीशन करोगे, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, जो भी आपका डिस्प्यूट का अमाउंट है, उस पर 5% चार्ज करते थे सदर दीवानी अदालत, चार्ज करता था, इसको ध्यान रखना, 5% आपको चार्ज करा जाएगा जो भी आपका डिस्प्यूट का अमाउंट है। पिटीशन यदि आप मान लो कोई भी पिटीशन डाल रहे हो, अपील डाल रहे हो, और आपका अमाउंट का, आपका डिस्प्यूट का जो भी अमाउंट है, उसका 5% आपको चार्ज देना पड़ेगा। किसको आपको देना पड़ेगा? सदर दीवानी अदालत को। और यदि आपको अपील करना है मुफस्सिल दीवानी अदालत से सदर दीवानी अदालत में, तो आपको विद इन 2 मंथ्स आपको अपील करना पड़ेगा, विद इन 2 मंथ्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले इस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और सबसे पहली बार इसका सिटिंग कब हुआ था? 17 मार्च 1773 को। अब हम लोग देखते हैं इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग सिविल जस्टिस में। देखो जुडिशियल प्लान जो आया था ना, इससे बहुत अच्छा चीज़ क्या हुआ था कि अब लोगों को आसानी से कोर्ट जाके आपको जस्टिस मिल सकता है। इसके बाद जो कलेक्टर होते थे उनको क्या बोला गया, पूरे प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक कलेक्टर को बोला गया कि आपका जो भी कोर्ट है, आपका जो कचहरी है, उसके सामने आपको एक कंप्लेंट बॉक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिक्चर लगाया, इस तरह से आपको कंप्लेंट बॉक्स लगाना पड़ेगा हर एक कचहरी के सामने, ठीक है। हर एक कलेक्टर को बोला गया कि आपके कचहरी के सामने, आपके कोर्ट के सामने एक कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि लोग कभी भी पिटीशन डाल सके। ये बहुत अच्छा बात करा गया था। उसके बाद क्या बोला गया कि जो मुफस्सिल दीवानी अदालत है, मुफस्सिल दीवानी अदालत, देखो ये जो नीचे पिक्चर देख रहे हो, ये मुफस्सिल दीवानी अदालत है। मुफस्सिल दीवानी अदालत को रिकॉर्ड को अप टू डेट करना पड़ेगा, जो भी केसेस वो सुना, क्या फैसला आया, क्या डिसीजन हुआ, कैसे डिसाइड किया, हर एक कुछ को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक कुछ को रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उस रिकॉर्ड को, जो अप टू डेट रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को फिर उसको भेजना पड़ेगा कहाँ? सदर दीवानी अदालत में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर उसको कहाँ भेजना पड़ेगा? सदर दीवानी अदालत में। तो ये मान लो रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को अप टू डेट करके सदर दीवानी अदालत में भेजना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस कैसे किया जाता था। तो देखो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि 1772 का ये प्लान आने से पहले कैसे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम था, मतलब कैसे होता था, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले कि हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं, तो देखो उससे पहले हम लोग देखेंगे क्रिमिनल जस्टिस बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कैसे होता था। तो उस टाइम आपको जहाँ तक पता होगा, या फिर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, उस टाइम सबसे जो हेड होते थे क्रिमिनल जस्टिस के, तो उनको हम लोग बोलते थे निज़ाम, या फिर आप बोल लो नवाब, ठीक है, नवाब या फिर निज़ाम ही बोलते थे, जो कि बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस के हाईएस्ट ऑफिसर होते थे, ठीक है। और इन्हीं का काम होता था, ये जो आप नवाब देख रहे हो ना, इन्हीं का काम होता था कि पुलिस को भी देखना है, और बेसिकली पुलिस मिलिट्री का फिर जो फॉरेन अफेयर होता था वो ब्रिटिश अपने पास रखे थे, बहुत चालाक थे वो। तो बेसिकली सूबा में, प्रोविंस में जो पीस ऑर्डर मेंटेन करना है वो किसका काम था? वो भी नवाब का ही काम था। किसके थ्रू? पीस आज के टाइम में देखो शांति किसके थ्रू हम लोग रखते हैं भाई, पुलिस के थ्रू ना। तो पुलिस को भी कंट्रोल करना, पुलिस को रखना, वो भी नवाब का ही काम था। और मान लो किसी को पनिशमेंट देना है, कैपिटल पनिशमेंट, तो उस केस में भी नवाब ही दे सकते थे कैपिटल पनिशमेंट। ये मैं कब की बता रहा हूँ? 1772 से पहले। और जो क्रिमिनल जस्टिस होता था, अब सवाल है कि कौन सा लॉ से होगा, तो उस टाइम मोहम्मडन का जो मोहम्मडन लॉज ऑफ क्राइम होता था उससे एडमिनिस्ट्रेशन होता था क्रिमिनल जस्टिस का। आप इसको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और जब आप आगे चल के जब लॉज पढ़ोगे तो वहाँ भी आप पढ़ोगे कि 1772 के आसपास, मिड 18th century में मोहम्मडन लॉज ऑफ क्राइम से सिस्टम चलता था। खैर चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस आखिर होता कैसे था। तो ऑब्वियस बात है, जस्टिस करना है तो उसके लिए कोर्ट चाहिए, अदालत चाहिए। तो अब अदालत का क्या सिस्टम था क्रिमिनल मैटर के लिए? सिविल मैटर के लिए हम लोग देख लिए, एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता था, मुफस्सिल दीवानी अदालत होता था, एंड सदर दीवानी अदालत होता था। उधर दीवानी मैटर के लिए दीवानी अदालत, इधर निजामत
इधर निजामत मैटर के लिए निजामत अदालत होता था, तो इधर भी दो तीन लेवल पे अदालत होता था। देखो थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्रिमिनल और सिविल में डिफरेंस बता दिया, तो थोड़ा सा आप पहले देख लो क्रिमिनल मैटर में क्या क्या सब आता है, जैसे कि ये मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप, रोबड़ी और थेफ्ट, चोरी, डकैती, ये सब आता है क्रिमिनल मैटर के अंदर। ऐसा कोई केस है तो उसको कहाँ सुना जाएगा, उसको सुना जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में। और क्रिमिनल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था उसको हम लोग बोलते थे मुफस्सिल निजामत अदालत, या फिर इसी का ही बोल सकते हो अनदर नेम, या फिर ऑल्सो नोन एज मुफस्सिल फौजदारी अदालत। ठीक है, फौजदारी अदालत भी हम लोग इसी को बोलते थे, मुफस्सिल निजामत अदालत बोल लो या फिर मुफस्सिल, नाम से ही क्लियर है तो भाई डिस्ट्रिक्ट पे होगा ये। देखो कुछ ऐसा अदालत होता होगा बट ऐसा नहीं था। अब देखो यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां भी जो जस्टिस होता था, क्रिमिनल जस्टिस जो होता था वो भी मोहम्मडन लॉ से ही होता था, मोहम्मडन लॉज ऑफ क्राइम से ही जस्टिस होता था, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मोहम्मडन लॉज ऑफ क्राइम से ही जस्टिस होता था। और ये केस, ये कोर्ट किसको डील करेगा, मुफस्सिल, हाँ ये जो कोर्ट है क्या डील करेगा, क्रिमिनल केसेस डील करेगा, अभी मैंने आपको बताया क्रिमिनल केसेस डील करेगा। अब थोड़ा सा और आप देखो, ये जो कोर्ट है मुफस्सिल दीवान निजामत अदालत, ये बेसिकली ये कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते थे वो, देखो एक तो पहली बात है ये कोर्ट में मोहम्मडन लॉ से जस्टिस होता था तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सा ऑफिसर होंगे, तो इसमें मुस्लिम लॉ ऑफिसर होते थे। ये कोर्ट में प्रिसाइडिंग कौन करेगा, जज कौन करेगा, मुस्लिम लॉ ऑफिसर करेंगे, क्योंकि कोर्ट चलता किस लॉ से था, लॉज ऑफ मोहम्मडन लॉज ऑफ क्राइम, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम लोगों को मुस्लिम लॉ ऑफिसर को रखना पड़ेगा। अब देखो मुस्लिम लॉज ऑफिसर कौन कौन होते थे, देखो मुस्लिम लॉज ऑफिसर कौन कौन होते थे, तो सबसे पहले आप मौलवीज को देखो, मौलवी बेसिकली मोहम्मडन लॉ को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, और जो मुफ्ती और काजी, देखो एक और ऑफिसर होते थे मुफ्ती काजी, इनका क्या काम था, फतवा जारी करना, जब पार्टीज का एविडेंस सुन लिया जाता था कोर्ट में उसके बाद इनका काम होता था फतवा देना। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो तीन पिक्चर्स देख लो, ये हो गए हमारे मौलवी साहब हो गए, और ये काजी हो गए, ये मुफ्ती हो गए। ठीक है, अच्छा लगता है यार ये सब पिक्चर्स। उसके बाद देखो इनको, इसके अलावा कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता था यहाँ भी। देखो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता था, ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता था, कलेक्टर। तो कलेक्टर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता था, इसका काम होता था सुपरवाइज करना, बस बात खत्म। इसका काम होता था कि कोर्ट अच्छा से फंक्शंस कर रहा है कि नहीं, बेसिकली इसका काम था सुपरवाइज करना, दैट्स ऑल, इसको ध्यान रखना आप। और ये देखता था कि जजमेंट रेगुलरली हो रहा है कि नहीं, इम्पार्शियली हो रहा है कि नहीं है, अच्छे से एविडेंस को सुना जा रहा है कि नहीं, गवाह को ठीक से सुना जा रहा है कि नहीं, बस इसका यही काम होता था। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट था ना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट था ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। देखो ये जो आप डेथ सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हो, ये डेथ सेंटेंस ये कोर्ट नहीं दे सकता था। डेथ सेंटेंस कौन दे सकता था, इससे ऊपर वाला जो कोर्ट होता था, सदर दीवान, सदर निजामत अदालत जो था वो डेथ सेंटेंस दे सकता था। आप ध्यान रखना, इस कोर्ट को राइट नहीं था, ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 ये कोर्ट को इम्पावर नहीं किया था डेथ सेंटेंस देने के लिए। डेथ, आज क्यों नहीं डेथ निकल रहा अच्छे से, चलो कोई बात। अब हम लोग देखते हैं सदर निजामत अदालत के बारे में। ठीक है, थोड़ा मैं खुद को नीचे कर दूं। देखो ये प्रोविंशियल लेवल का कोर्ट था, सदर लगा हुआ है तो आप यहां से तो समझ ही जाओगे, सदर मतलब प्रोविंशियल की बात हो रही है यहां पे। बहुत गर्मी है यार, अभी भी आप यहां तक भी देख रहे हो तो आप प्लीज लाइक करो यार, क्या जा रहा, लाइक कर दो। देखो ये कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता था, जैसे उधर में हम लोग देखे थे दीवानी मामले में, जो सदर निजामत यहाँ पे है वहाँ पे दीवानी अदालत, दीवानी अदालत भी सबसे ऊंचा होता था, सबसे एपेक्स होता था, सेम उसी तरह से। ठीक है, और इसका भी ज्यूरिसडिक्शन बोथ होता था, एपिलेट एंड ओरिजिनल। ठीक है, आपको यदि वहाँ के
सदर मुफस्सिल या फिर सदर फौजदारी अदालत के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो आप यहाँ पे जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, जो डेथ वाला मैटर अभी मैंने आपको बताया, उस केस में डायरेक्ट इसका ज्यूरिडिक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी है और प्लस एपिलेट ज्यूरिडिक्शन भी है, ठीक है। तो डेथ वाला जो भी मैटर होगा, डेथ सेंटेंस वाला जो भी मैटर होगा, उसको डायरेक्ट सदर निजामत अदालत देखेगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मान लो डेथ सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है, तो डेथ वारंट कौन बनाएगा? डेथ सेंटेंस मान लो कोर्ट दे दिया, तो यही कोर्ट प्रिपेयर करेगी डेथ सेंटेंस भी, और उसके बाद साइन किसका करना पड़ेगा उसमें? नवाब का, क्योंकि नवाब जो होते थे वो हेड होते थे। उसके बाद देखो, ये कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था, जिसको आप बोल सकते हो जज, इस कोर्ट का जो जज होता था उसको हम बोलते थे दरोगा ए अदालत। क्या बोलते थे भाई? दरोगा ए अदालत। और वो कैसे काम करता था? एज ए जज, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो, ये दरोगा अदालत जज होता था, इसको हेल्प करने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे भी ऑफिसर्स होते थे, चीफ काजी और चीफ मुफ्ती, और इसके अलावा तीन मौलवी होते थे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसके अलावा भी तीन मौलवी होते थे। और ये जो पर्सन अपॉइंटेड होता था, किसके द्वारा होता था? देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये चीफ काजी एंड मुफ्ती, ठीक है, और तीन मौलवी, ये असिस्ट करते थे दरोगे अदालत को। और इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये तो देखो नवाब करता था, लेकिन ये किसके कहने पे? गवर्नर के कहने पे, ठीक है, गवर्नर के एडवाइस पे इन तीनों को, बेसिकली चीफ काजी, मुफ्ती और मौलवी को नवाब अपॉइंट करता था, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर सुपरवाइज करती थी, सेम उसी तरह से यहाँ भी जो कलेक्ट, यहाँ तो मान लो प्रोविंशियल लेवल पे है, हम लोग जब भी पढ़े हैं प्रोविंशियल लेवल पे कौन? गवर्नर एंड जनरल, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था अभी तक, तो प्रोविंशियल लेवल पे सेम उसी तरह से कलेक्टर सुपरवाइज करती थी, यहाँ पे गवर्नर इन काउंसिल सुपरवाइज करेगा कि ठीक से कोर्ट चल रहा है कि नहीं, इम्पार्शियल कोर्ट है कि नहीं, ये सब सारा कुछ यहाँ पे देखेगा, बेसिकली जो कोर्ट का फंक्शनिंग है ना उस पर नजर रखेगा कौन? गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर बेसिकली गवर्नर और उसका काउंसिल, ध्यान रखना। ये सबसे पहले ये कोर्ट कहाँ पे था? कलकत्ता पे था, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? मुर्शिदाबाद। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद कैपिटल हुआ करता था बंगाल का, और बंगाल के जो नवाब होते थे वो मुर्शिदाबाद में ही रहते थे, क्योंकि कैपिटल में ही जनरली नवाब रहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था आफ्टर जुडिशियल प्लान आने के, बेसिकली जुडिशियल प्लान आने के बाद, ठीक है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 के आने के बाद कैसे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ये हम लोग पढ़ लिए। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इसको भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड भी कोई प्रोविजन था इसमें? हाँ बिल्कुल प्रोविजन था आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। बेसिकली आप कोर्ट के बाहर मामले को भी रफा दफा कर सकते हो, कोर्ट के बाहर भी आप मैटर को डिसाइड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इससे भी रिलेटेड प्रोविजन था, इसीलिए ना इसको बहुत अच्छा, मतलब नीव बोला जाता है, बहुत क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जुडिशियल सिस्टम 1772 में रिफॉर्म हुआ था, तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा महत्व मिलता है लीगल हिस्ट्री में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 को। तो देखो ये जो जुडिशियल प्लान था वारेन हेस्टिंग का, इसमें था आर्बिट्रेशन कर सकते हो, लेकिन कब? आपको दोनों पर्सन का कंसेंट चाहिए, ठीक है, दोनों पर्सन के कंसेंट से आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो। अब सवाल है कि किस किस मैटर में आप कर सकते हो, तो यहां पे देखो आप कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में कर सकते हो, पार्टनरशिप, डेट और भी कुछ मैटर्स थे कि इस मैटर में आप कोर्ट के बाहर आर्बिट्रेशन से भी आप खुद फैसला कर सकते हो, ठीक है। और आपको तो ध्यान ही है इनहेरिटेंस, कास्ट, रिलीजन, ये सब वाला केस में, बेसिकली ये सब केस में हिंदूज जो होते थे वो शास्त्र से बाइंडिंग होते थे, जो मुस्लिम्स होते थे उसको लॉज ऑफ कुरान से होता था, ये आपको पता है। और ये सब लॉज
कौन बताता था कलेक्टर को, भी मैंने आपको बताया कौन बताता था कलेक्टर को, तो ये सब लॉज बताता था मौलवीज एंड जो पंडित होते थे वो बताते थे कलेक्टर को, और फिर उसके बाद ये सब मैटर को डिसाइड करा जाता था। कौन सा मैटर? ये इनहेरिटेंस, कास्ट, रिलीजियस, ये सब। चलो आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। एक बहुत अच्छा बात है यहाँ पे देख लो लास्ट में, ये जो जुडिशियल प्लान है, जुडिशियल प्लान 1772 का, ये कलेक्टर को इम्पावर करता था कि आप अपने एरिया के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप छोटा मोटा लॉज बना सकते हो, जिससे कि फार्मर का भला हो, जो टेनेंट है उसका भला हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल प्लान, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आई थिंक 7-8 मिनट और लगेगा। देखो मेरिट क्या क्या था जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 का। तो सबसे पहली बात देखो, आप जहाँ पर रहते हो और जहाँ पे आप रूल कर रहे हो वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके पर्सनल लॉ को तो सेफ गार्ड करना पड़ेगा। तो जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स पर्सनल लॉ को भी सेफ गार्ड कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात है वैसे। और देखो एक बात क्या है, जैसे कि मान लो मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जो इसलिए हम लोगों को क्या, हम सारे बिहारियों का मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, अदर अदर स्टेट्स या फिर फॉरेन भी जाना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। तो बेसिकली हम लोगों के पास नहीं रहने की वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ता। तो सेम इसी तरह से जो कलकत्ता में लोग रहते थे या फिर आप बोलो बंगाल में जो लोग रहते थे उनको, बेसिकली मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता था। यदि उनको अपना रेवेन्यू भी पे करना है तो उनको बहुत दूर जाना होता था, या फिर उनको मान लो जस्टिस चाहिए तो कोर्ट उनका बहुत दूर होता था, तो बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हुआ ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 के आने से। कैसे? देखो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया था। तो डिस्ट्रिक्ट बांटा गया तो अब डिस्ट्रिक्ट बटा, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट बना तो वहीं पे कोर्ट बना। कौन सा कोर्ट बना था? मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत। तो अब आपको क्रिमिनल मैटर में यदि आपको जस्टिस चाहिए तो आराम से चले जाओ, सिविल में चाहिए तो आप आराम से जाओ कोर्ट और जस्टिस ले लो। तो बेसिकली पहले जो काफ़ी दूर जाना पड़ता था जस्टिस पाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो रिवेन्यू पे करने के लिए, अब वैसा नहीं रहा जुडिशियल प्लान के आने से, अब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। उसके बाद देखो जो दीवानी था और जो फौजदारी अदालत था, उन दोनों का जो फंक्शन था, जो जुरिसडिक्शन था दोनों कोर्ट का, वो क्लियरली डिफाइन था, ठीक है। क्लियरली डिफाइन होने के वजह से अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, कोई क्लैसेस नहीं होता था। तो ये बहुत अच्छा बात था कि दोनों अदालत का ज्यूरिसडिक्शन क्लियर है और इसके वजह से इन दोनों के बीच में कोई क्लैसेस और फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो नहीं होता था, ठीक है, बहुत अच्छा बात था। इसके बाद देखो जो जज होते थे अदालत के, तो वो कौन होते थे? जनरली वो इंग्लिश मैन होते थे, और उनको असिस्ट कौन करता था? यहाँ के नेटिव लॉ ऑफिसर होते थे जो उनको पर्सनल लॉ के बारे में बताता था। तो जो यहाँ के लोग थे, ठीक है, यहाँ के जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको लगता था कि चलो ठीक है इंग्लिश मैन जज है, उसको असिस्ट करने के लिए कोई इंडियन तो है, तो इनको लगता था कि नहीं चलो इंग्लिश जज इम्पार्शियल है, ठीक है। और यहाँ के लोगों में ये ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं चलो हमारा भी लोग उसको असिस्ट कर रहा है, तो मतलब अच्छे से ये डिसीजंस इंग्लिश जजेस देंगे। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि नेटिव लॉ ऑफिसर्स थे, तो जिसके वजह से ये ऐसा हो पा रहा था। उसके बाद देखो जो उस टाइम क्या होता था, कोर्ट का एक फ़ी होता था। यदि जो लिटिगेंट है जिनको कोर्ट में अपील करना है फिर कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक कोर्ट का फीस होता था, फ़ी होता था, वो लिटिगेंट को देना पड़ता था एज ए कमीशन, ठीक है। तो वो पहले क्या होता था, जो कोर्ट फी है वो कोर्ट को जाता था। इसकी वजह से मान लो कि मैं जज हूँ, मुझे कोर्ट फी मिलेगा, मैं तभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बात है मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं इसके तरफ झुक जाऊँगा कि नहीं। तो सेम उसी उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, जो कोर्ट फी है वो जब जजेस के पास जाता था तो जज एक तरफ ज़्यादा झुक जाते थे। तो ये प्लान आने के बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छा बात हुई प्लान का, जो मेरिट है कि अब कोर्ट फी कोर्ट को ना जमा होके अब वो सीधे सरकार के ट्रेजरी में जमा होगा। ये बहुत अच्छी बात थी वैसे,
ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखना, अब किसी जज के पास कोई कोर्ट फी जाएगा नहीं, तो उसके मन में कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी की तरफ झुकेगा नहीं, तो इससे करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ। ठीक है, कोर्ट फी अब डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिमेरिट देख लेते हैं, क्या क्या डिमेरिट था ये प्लान का। ठीक है, जुडिशियल प्लान का क्या क्या डिमेरिट था। तो सबसे पहले देखो, एक यहाँ पे ऑफिसर्स थे कलेक्टर, देखो कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया था, पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन था किसके पास, कलेक्टर के पास। कैसे, तो सबसे पहले ये रेवेन्यू देखता था, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, खैर, तो ये रेवेन्यू देखता था। उसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट था, मुफस्सिल दीवानी अदालत, उसका भी जज होता था, तो उसको जज भी करना होता था। उसके अलावा इसको थोड़ा बहुत ट्रेड भी देखना होता था। फिर उसके अलावा जो क्रिमिनल मैटर सुना जाता था निजामत अदालत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको भी सुपरवाइज करना इसका काम होता। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पावर एक सिंगल ऑफिशियल्स के पास था, पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन था यहाँ पे। इसके वजह से जो जज होते थे, बेसिकली जो कलेक्टर होते थे, उन पे बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बेसिकली रिवेन्यू भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, सिविल जज भी थे वो, और वो बोल सकते हो एक तरह से मजिस्ट्रेट का भी काम करते थे क्रिमिनल मैटर में। तो खैर, और एक बात यहाँ पे क्या हुआ, हेस्टिंग को क्या लगता था, वेरन हेस्टिंग जो ये प्लान लाया था, कि इंडिया में उस टाइम पे बंगाल में ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम्स ही हैं, बट ऐसा नहीं था, उसके अलावा और भी रेसेस थे, और भी कम्युनिटीज़ था। तो हेस्टिंग को लगता था कि ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम का है, तो उस हिसाब से वो हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा फोकस किए, लेकिन इसके अलावा अदर कम्युनिटीज़ जो थे उस पे ये कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं था 1772 के चार्टर में। चलो, इसका नेक्स्ट क्या था, देखो सदर दीवानी अदालत, ये मान लो मुफस्सिल दीवानी अदालत है, और ये मेरे ऊपर वाला हाथ सदर दीवानी अदालत है, ठीक है। और इसका क्या काम होता था, मुफस्सिल पे कंट्रोल करना, उसके फंक्शन को सुपरवाइज करना, ये इसका काम होता था सदर दीवानी अदालत का। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उस टाइम पे इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, आज के जैसे व्हाट्सएप या फिर ईमेल नहीं था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था बेसिकली सुपरविजन करना सदर अदालत का, किसके लिए, मुफस्सिल के लिए, ठीक है। तो इसके वजह से जो कलेक्टर होता था वो अपना पोजीशन का मिसयूज़ करता था, वो प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगा, और अपने पर्सनल गेन्स के लिए बहुत सारा वो अलग 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 काम भी करने लगा। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जो सदर अदालत है वो अच्छा से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे तीन नंबर जब पढ़ोगे तो वह पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जो कलेक्टर थे ये प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज होने लगे थे, ठीक है, ड्यू टू मीन्स लैक ऑफ, क्या बोल सकते हो, लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से। देखो जजेस जो थे जनरली वो इंग्लिश मैन थे, ये आपको पता है, जजेस जो थे वो इंग्लिश मैन थे, तो उनके पास यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम्स थे उनका पर्सनल लॉ के बारे में कोई उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था, ठीक है। तो इनको असिस्ट करने के लिए नेटिव लॉ ऑफिसर होते थे, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, काजी मुफ्ती मौलवीज होते थे। तो कुछ केसेस में वो लोग क्या करते थे, मान लो अब इनको तो कोई आइडिया ही नहीं, इंग्लिश मैन, इनको कोई आइडिया नहीं हम लोगों के कस्टम्स के बारे में, तो ये मिस गाइड भी आसानी से कर देते थे, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन कर देते थे कुरान का, शास्त्र का, जिसके वजह से कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता था, है ना। और देखो रिवेन्यू कलेक्शन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक ही ऑफिसर्स में, एक ही जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो कलेक्टर होता था वो क्या करता था, सिविल कोर्ट का जज भी होता था और रिवेन्यू कलेक्शन भी करता था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो वो ध्यान किस पे देगा, आप खुद सोचो ना, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ध्यान किस पे देगा, ऑब्वियस सी बात है कलेक्टर जो ज़्यादा ध्यान देता था रिवेन्यू कलेक्शन पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ध्यान देता था वो रिवेन्यू कलेक्शन से, जिसकी वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा था एज कम्पेयर टू रिवेन्यू कलेक्शन। तो पावर का सेपरेशन जरूरी था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक अलग से ऑफिसर्स बना देता तो इससे तीनों अच्छे से चल पाता, ठीक है, ये एक डिमेरिट था उस प्लान का। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। देखो ये जो प्लान चल रहा था ना, प्लान ऑफ 1772,
ये प्लान से कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। अब बोलोगे यार कैसे, ये तो बहुत अच्छा प्लान था। नहीं देखो, इससे कैसे हो रहा था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर थे, और मैंने अभी बताया कलेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ट्रेडिंग करता था, बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, खुद पैसा बहुत ज़्यादा बना रहा था और कंपनी को कुछ पैसा मिल नहीं रहा था। तो कंपनी के जैसे कि जैसे अभी हमारे देश में होता नहीं, या फिर कहीं भी कंपनी का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उस टाइम जो कंपनी की तरफ से मान लो जिस जो शेयर होल्डर होते थे कंपनी के, उसको हम बोलते थे कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर देखा यार ये तो रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर क्या बोला गवर्नर और गवर्नर के काउंसिल को कलकत्ता में कि ये जो कलेक्टर का पोस्ट है इसको ख़त्म कर दो, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू में, तो ये गवर्नर के पोस्ट को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसके लिए एक नया फ्रेश प्लान चाहिए। तो वैरन हेस्टिंग 1774 में ये देखो अब क्या होता है, ये जैसे आप मान लो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर बोल दिया कंपनी का भाई ये कलेक्टर को हटाओ तो हटाओ, सिंपल। तो इसके लिए फिर वैरन हेस्टिंग एक फ्रेश प्लान बनाता है, जिसको हम लोग आगे चल के बोलते हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1774, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर ये खत्म हो गया कलेक्टर का पोस्ट 1773 में। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे नया प्लान जो प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली 1773 में ही नवंबर में, और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है जैन 1774 को, और इसी को हम लोग बोलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये जो जुडिशियल प्लान चल रहा था 1772 का, ये उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये रीजन था जिसके वजह से मान लो जो काम के लिए थी कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वही जनरेट नहीं कर पा रही, तो फिर वो क्या करेगी, है ना। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करके जो भी आपका इशू हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से, और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो। और देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलो कर लो लीगल एडवाइस फ्री, अभी मैं फिलहाल फ्री कर रहा हूँ लीगल एडवाइस। खैर, तो यदि आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ नोट ले सकते हो, फेसबुक का ये भी देखना है तो देख लो। चलो ठीक है फिर, और यहाँ तक भी आप देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप यदि यहाँ तक भी देखे हो यार, तो मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब से क्या ही जाता है, कुछ नहीं जाता है, तुम्हें तो पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, एक सब्सक्राइब कर दो, हम लोगों को खुशी मिलता, और एक कमेंट कर दो, उससे हम लोग को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता मैं बता नहीं सकता हूँ, एक नया वीडियो हम लोग तुरंत बना देते एकदम, आपका एक कमेंट आता है मेरे अंदर मोटिवेशन जग जाता है, और मैं क्या आपसे कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ, है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।